हेलो आदाब और नमस्कार आप सभी को दिल से। मैं हूँ आपके साथ दिव्या नेजा और आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो। अक्सर मैं जब भी आपके साथ आती हूँ, कुछ हीरो, कोई हीरोइन, इन सभी के साथ मैं बैठी नज़र आती हूँ, लेकिन आज जिनके साथ मैं बैठने वाली हूँ वो रियल लाइफ हीरो है। उनके बारे में क्या कहूँ मैं, क्योंकि हमें हमारे देश को, देश के हर एक व्यक्ति को गर्व महसूस करने का मौका दिया है इस शख्सियत ने। और ख़ास बात तो ये है कि 16 साल और 5 महीने की उम्र में ही हमारी आर्मी को सर्व किया उन्होंने। इतना ही नहीं, 19 वर्ष में इतना बड़ा कार्य किया कि उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। हमारे साथ आज मौजूद हैं सूबेदार परमवीर चक्र योगेंद्र यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। और इस फिल्म, इनके ऊपर एक फिल्म बन रही है और इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं चित्रांगदा सेन, आज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। और इस कहानी के ऊपर एक किताब भी लिखी जा रही है, वो किताब लिखी है दीपक सिंह जी ने। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सर आपसे ही स्टार्ट करना चाहूँगी, मतलब एक फितूर कहूँगी या एक जुनून कहूँगी इसे, कि 16 साल 5 महीने, उस समय ना जब मैं 16 साल की थी, हमारे दिमाग में रहता था कि बंक कैसे करें, स्कूल कैसे बंक करें, पढ़ाई का वो जो पीरियड है वो कैसे मिस करें, या आज कहाँ पर घूमने जाना है। वो जो दौर होता है ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उसमें कुछ कर दिखाने का जुनून नहीं होता। वो तब होता है जब हम स्कूल पार कर लेते हैं, तब जब पेरेंट्स की हमें डांट पड़नी शुरू होती, कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। लेकिन सर आप में वो फितूर क्या आपके परिवार से आया? नहीं, जो 13 साल से 19 साल की उम्र होती है वो तूफानों की उम्र होती है। वो युवावस्था होती है जी। उस अवस्था में जो हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर जिस तरह के बीज अंकुरित हो जाते हैं, हम उसी तरफ बढ़ने। बिल्कुल। तो उस समय जो है, क्योंकि पिता फौज में थे, तो सबसे पहले जो शिक्षक एक बच्चे के होते हैं, माता पिता ही होते हैं, परिवार जो घर है उसका पहला पाठशाला होती है जी। उस पाठशाला से जो है ये बीज अंकुरित हुए उनसे सुन करके कि फौज ये करती है, सैनिक लड़ाई के अंदर ये करते, ऐसी कठिनाइयां होती हैं जी। तो उनको एक कहानी के रूप में सुनते थे हम, बड़ा इंटरेस्ट होता था जी। लेकिन न जाने कब वो समझ बैठी या वो बीज अंकुरित हुए कि मन और मस्तिष्क के अंदर एक फौजी की छवि बन गई और अपने आप को मैं एक फौजी समझने लगा। क्या बात है। और वहीं से जो है फिर ये भावना जागृत हुई। और तभी 12th क्लास में था मैं जी, और 16 साल 5 महीने की उम्र में तभी फौज में भर्ती होकर चला। वाह। चित्रांगदा, आपने डिसाइड किया कि आप इनकी लाइफ स्टोरी पर एक फिल्म बनाने वाली हैं, तो आपकी जब पहली मुलाकात इनसे हुई थी, क्या आपको याद है वो मुलाकात कैसी थी? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत से मिलकर, रियल लाइफ हीरो से मिलकर, आई एम श्योर एक रोंगटे खड़े होने वाली फीलिंग होगी। पता है, रोंगटे तो पहले खड़े हो चुके थे जब मैंने इनके बारे में पता चला। मुझे एक फ़ोन कॉल पे मेरे को एक फ्रेंड ने बताया था, तो मैंने कहा नहीं हो सकता यार, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड सो आई डिडंट बिलीव हिम, एंड ऑनेस्टली मैं कुछ और करने लग गई या मैं बिजी हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आई थिंक हमने तब सूरमा बनाई थी या कुछ जो भी चल रहा था, वो कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो उन्होंने फिर मुझे वीडियोज़ भेजे इनके ऊपर, फिर मैंने वो वीडियोज़ सुने, इनके इंटरव्यूज़ भी थे उसमें, फिर ऐसे नहीं हो सकता ऐसे। फिर मैंने जाके और चेक किया, लाइक बिकॉज इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल है ये कहानी। एंड आई रिमेंबर जब मैंने ये सुना, मैंने अपने फादर को कॉल करके इसके बारे में बताया। सो ऑफकोर्स उनको पता था इनके बारे में, ये सर ऑफकोर्स हैं एंड 18 कैनेडियंस के हैं, उनको मतलब बिकॉज वो खुद आर्मी ऑफिसर थे, एक्स आर्मी ऑफिसर नाउ, सो ही न्यू अबाउट ऑल दिस। एंड आई वॉज लाइक, बट हमको नहीं पता, एंड इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट, मतलब इट्स अ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड हमको नहीं पता इसके बारे में। सो आई फाउंड दैट वेरी अनबिलीवेबल। सो या वो वाला प्रोसेस ऑफ गूज़बम्स ख़त्म हो चुका था एज एन, मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ती गई उसके बारे में। ऑफकोर्स इट वॉज लवली, क्योंकि जब मैं इनको मिली तो मुझे लगा कि यू नो आपका थोड़ा सा होता है कि पता नहीं कैसे होंगे, बट ही इज़ सो हम्बल
एक ह्यूमिलिटी है, एक डिग्निटी है. राइट. सो या मतलब ऐसा होता है ना कि वो सारी पिक्चर आपकी बहुत अच्छे से एक तरह से कम्स टुगेदर. सो इट वॉज लवली मीटिंग ऑफ कोर्स. दीपक जी, किताब लिखी है आपने इनके ऊपर, उस किताब में हमें कौन कौन से पहलू इनकी ज़िंदगी के देखने को मिलेंगे? किताब लिखी नहीं सी कि एक्चुअली जो चित्रांगदा जी ने मैनू इन्होंने मिलाया और अगे सौंपया बिकॉज कि असी सुरमा तो बाद ए फिल्म बनानी है इन्हों के उत्ते लाइफ से, तो जो इन्होंने दसिया कि यह है मैं क्या यह कैसे हो सकता है, कहते हो सकता है. दैन शी इंट्रोड्यूस मी, मिला, पूछा कितने गोलियाँ किस तरह लगियाँ की पूरा. आफ्टर हीयरिंग हिज स्टोरीज़ वैन वी यूज टू हैव, जो असी स्टोरी नरेशन के बैठते सी इन्हों को मैं रिकॉर्डिंग कराता सी, गल्लां करता सी, मैं इन्ना इंस्पायर हो गया दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ स्टोरी और टूगैदर आई थॉट लेट मी पुट इट इन अ फॉर्म ऑफ बुक. योगेंद्र सर, टाइगर हिल की एक मेरे को याद है थोड़ा थोड़ा आपका किस्सा, कि आपको उस जगह से ऊपर चढ़ने के लिए कहा गया जो कि असंभव था, तो आपके दिमाग में नहीं आया कि ये सबसे खतरनाक रास्ता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ऊपर पहुंच ही नहीं पाऊंगा? या ऐसा कौन सा जज्बा था कि जो असंभव था उसको भी आपने संभव कर दिया? हिंदुस्तान की फौज असंभव को संभव करने के लिए ही जानी जाती है, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग का स्तर है जी, जो इन्वायरमेंट है, वो अपने आप में एक नया जोश और जुनून पैदा कर देती है. जहाँ एक इतने गहरे आत्मिक संबंध होते हैं जी, फौज के अंदर जब उनका एक साथी जब शहीद हो जाता है तो एक बदले की आग सीने में जलती है. बिल्कुल. बहुत सारे साथी शहीद हो गए, अब उनका बदला लेना था, तो चाहे वो 80 डिग्री की चट्टान हो चाहे 90 डिग्री की चट्टान हो, कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ से हम नहीं चढ़ सकते, हमने चढ़ करके जाना है. उन्होंने 5 मारे हैं, हम 50 मारेंगे. इस सोच के साथ में हम टाइगर हिल के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान पर, वैसे तो नहीं चढ़ पा रहे थे, रस्सियों के सहारे हम चढ़े. सर, आपका जुनून इतना था कि आधे बिस्कुट के सहारे आप चढ़ गए और वो पूरी फाइट आपने लड़ी. तो जो उस फाइट के बाद, उस बैटल के बाद, जब 3 दिन बाद आपकी आँखें खुली, क्या आपके जहन में कहीं ना कहीं अपने परिवार की तस्वीर भी आई? नहीं, उस समय कोई परिवार की तस्वीर नहीं आई. मतलब आप अपने देश के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड रहे इतनी कम एज में भी, कि शादी होने के बाद भी आपने परिवार को बाद में अपने देश को पहले रखा. सैनिक के लिए देश ही उसका परिवार है. क्या बात है. अगर देश है तो उसका परिवार है. बिल्कुल. सर, थोड़ी सी मैं आजकल के ना यूथ की बात करूँगी. जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग, बच्चे हैं मैं कहूँगी यंग एज में, नशों में भी जा रहे हैं, जिनको अपनी कोई सुध ही नहीं है. आप उनसे कुछ ज़रूर कहिए कि अपने अंदर किस तरीके की प्रेरणा वो लेके आए कि वो भी इस तरह से डेडिकेटेड हो सके, उनको भी एक मार्ग मिल सके. बिल्कुल. मैं उनसे भी और उनके माता पिताओं से भी जो है ये आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, क्योंकि बच्चा माँ बाप से सीखता है. जी. माँ बाप जिस तरह की एक्टिविटी करता है उसी तरह से बच्चा भी उसी तरह को सीखना शुरू करता है. हमें अपने बच्चों को किस तरह का बनाना है वो माँ बाप डिपेंड करता है. बिल्कुल. क्योंकि माँ बाप एक माली की तरह होता है. बिल्कुल राइट. कि माली एक झाड़ को भी एक सुंदर सा वृक्ष बना देता है. जी. तो एक बच्चा है वो झाड़, ये समझिए उसको किस तरह से छांटना है, काटना है उसकी बुराइयों को और उसमें अच्छाइयों को भर करके उसको आगे लेकर के जाना. जी, जी, जी. और बच्चे जो है, आप जो सोशल मीडिया बहुत चलाते हैं, मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, उसको चलाना चाहिए ताकि दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके हम आगे बढ़ें. लेकिन इस इंटरनेट के दुनिया के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा खजाना पड़ा है, अगर हम उस खजाने को देखें तो बहुत कुछ सीख पाएंगे. हमें वो चीज़ें देखनी है जो हमें मजबूत करें. बिल्कुल. हमें वो चीज़ें नहीं देखनी है या वो चीज़ें नहीं सुननी है जो हमें कमज़ोर करें. आप सब
मजबूत बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ ज्ञान ही वो एक ऐसी शक्ति है, ज्ञान ही वो एक ऐसा साधन है जो आपको आंतरिक रूप से मजबूती दे सकता है, ताकतवर बना सकता है। और बहुत सारा ज्ञान का भंडार इस इंटरनेट में पड़ा हुआ है, तो आप उस चीज़ों को देखिए और उस चीज़ को देख करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं और बढ़िए, क्योंकि ये देश वीरों का देश है, वीरांगनाओं का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये तपस्वियों का देश है, ये बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का देश है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी को दिलाने के लिए और आज़ादी की रक्षा के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने लहू की हर बूंद को बहाया है, जिसमें आज हम बैठ करके अपने घरों में, स्कूलों में, ऑफिसों में चैन से अपने काम को कर पा रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो पा रहे हैं। बिल्कुल। तो कभी उनको जरूर याद कीजिए, अगर आप उनको याद करना शुरू किया तो आप कभी जीवन में गलत काम कर ही नहीं सकते और आपके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम हो जाएगा। बहुत खूबसूरत विचार हैं सर आपके, मतलब ऐसा लगता है कि आप कहते रहें और हम सुनते रहें। एग्जैक्टली राइट। दीपक जी, जिस तरीके ना ले दस रहे कि बड़ी छोटी एज है ना जज्बा सेगा कुछ करन दा, लेकिन तुसी बहुत क्लोजली इन्हों नू ऑब्जर्व किया है, सुनिया है, मैं थोड़े तो पूछना चाहनी हाँ, क्या इन्हों ने अपनी लव लाइफ च भी थोड़ा जा टाइम दिता है कि ए पूरा टाइम दिता है तुसी फिल्म जी देखोगे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लव वेरी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी यस ब्यूटीफुल लव स्टोरी ब्यूटीफुल कोई इनोसेंट कोई मिर्च मसाला तड़का लाने की लोड़ ही नहीं, एक्चुअली जो हैगा है वो इन्नी मिठी जी एक प्यारी जी लव स्टोरी है, जो तुम देखोगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा उस चीज़। सर साढ़े नाल बैठे ने, सो मैं सर तो भी पूछना चाहनी हाँ कि फैमिली का एक सपोर्ट जिहड़ा सीगा, क्या उस तो बाद भी उदा ही रहा कि नहीं आप कंटिन्यू करें, या किसी की तरफ से ये बोला गया कि अभी तुम मौत के मुँह से बाहर आए हो, अब बस रुक जाओ? फैमिली का सपोर्ट होता है तभी एक सैनिक वहाँ पे लड़ता है जी, क्योंकि सैनिक अकेला नहीं लड़ता है, उसका पूरा परिवार लड़ता है, पूरा परिवार लड़ता है तो उसका पूरा देश उसके साथ में लड़ता है। बिल्कुल। जब देश सैनिक के साथ सपोर्ट में खड़ा होता है तो वो सैनिक अपना सब कुछ राइट। लेकिन इस देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ की माँ या पत्नियाँ चाहे वो घायल है किसी भी अवस्था में, ये नहीं कहते कि तुम वापस आ जाओ, ये जरूर कहते हैं कि कब आओगे। ये नहीं है कि नौकरी छोड़ दो, बहुत कुछ हो गया रहने दो, ड्यूटी से वापस कब आओगे, तो उस सपोर्ट मिला। आई थिंक एक जो इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना आपको लड़ने के लिए, वो फैमिली से आती है डेफिनेटली, बिकॉज इट कैन वीकन यू फॉर श्योर। मतलब इन द एंड आप एक ह्यूमन भी होते हैं, बट ही इज राइट, एक फैमिली की जो वो सपोर्ट, एंड प्लस इनके फादर ऑलरेडी दो वॉर्स लड़ चुके थे, सो वो एक जज्बा जो एक फौजी फैमिली का होता है, आई थिंक वो था कि मतलब यू हैव टू बी ब्रेव, एक वो जो एक्सपेक्टेशन होती है, आई थिंक वो हर चीज़ बहुत मैटर करती है जी। सर मुझे नहीं पता इस सवाल को मैं कैसे पूछूं, लेकिन ये फीलिंग मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, हमारे घर में से अगर कोई चला जाता है हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो उसको जाते हुए देखना, हम आंसू नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप जब वहाँ पर फौज में हैं तो वो ही आपका परिवार है, और जब आपके परिवार के एक एक करके इतने सदस्य जा रहे थे आपके सामने, तो कहीं भी आपके मन में ऐसा आया कि बस मैं भी अब चला ही जाऊंगा, अब मुझे लगता है जब ये लोग भी चले गए हैं हमारा एक मिशन स्टार्ट हुआ, सबने साथ में स्टार्ट किया और आखिर में मैं रह रहा हूँ, तो वो फीलिंग कैसी थी सर? ये एक जैसे सिविल में हम परिवार में रहते हैं, फौज भी, फौज उससे बड़ा परिवार है, यहाँ हम जो सिविल एज ए सिविलियन अगर परिवार में कोई चला जाता है तो उसके अंदर वो टूटता है कि यार ये चला गया, मैं कैसे जीना है, क्या करना है मुझे, जो है ये नहीं। लेकिन सेना के अंदर एक अलग तरह का होता है, वो रोता नहीं है, बल्कि वो ये सोचता है और उसको ये एक ऐसा एहसास भी होता है यार ये चला गया है, इसकी जिम्मेदारी तेरे कंधे पे आ गई है, अब तूने दोनों जिम्मेवारियों को निभाना है।
और यही एक कारण है कि इस देश का सैनिक अकेला भी बचता है तो आखिरी सांस और आखिरी बूंद तक लड़ता रहता है। सर, आपका एक इंटरव्यू मैं भी सुन रही थी, आपकी बाजू टूट गई थी उस समय और आपने उसे निकालने की भी कोशिश की कि ये निकल जाए, दर्द किसी तरह हट जाए, लेकिन वो नहीं निकली, तो आपने उसे अपने कंधे पर रख के वहाँ से निकलना शुरू किया धीरे धीरे रेंगते हुए। वो हम लोगों को एक हल्की सी सुई लगती है ना, हमें पता चलता है और हम काफ़ी दिन तक लगे रहते हैं कि यार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपको उस समय वो दर्द क्यों महसूस नहीं हुआ, कैसे महसूस नहीं हुआ? दर्द मन में होता है, शरीर में दर्द नहीं होता। आप मन को जो है दूसरी जगह लगा दीजिए, आपके शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। मैं यहाँ बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखते होंगे, आप जब कभी रनिंग करते हो तो आपके पैरों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, बिल्कुल आप रुक जाते हो जी। लेकिन उसी मन को, क्योंकि वो मन से दर्द हो रहा है, उसको आप रोड पे लगा दो, दर्द नहीं होगा। जैसे आपका जब कोई फेवरेट जो है गेम होता है, आप उसको खेलते हो, 2 घंटे खेलते हो, 3 घंटे खेलते हो, आपको पेन नहीं महसूस होता। राइट, क्यों? क्योंकि आपका वो ध्यान, आपका जो मन, आपका उस प्ले में चला गया, अब शरीर में दर्द नहीं है। लेकिन जब वैसे खेल करके वापस आओगे, आपका मन फिर वापस शरीर में आ जाएगा, फिर आपको वो दर्द होगा। तो उस समय जो मेरा जो मन था, मन सिर्फ लक्ष्य पर था, शरीर में था ही नहीं, इसलिए दर्द महसूस नहीं हुआ। सर, जब तक आप हॉस्पिटल में आए वो लक्ष्य अधूरा रह गया था। जब आपको पता चला कि हमारे बाद भी हमारी एक टुकड़ी पहुंची और उन्होंने लक्ष्य पूरा किया, तो वो खुशी मुझे लगता है वो सारे दर्दों को खत्म हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस चीज को देख रहा था, जिसको जी रहा था, वो एकदम से पूरा हो जाता है। तो चाहे अभी तो टूटा नहीं है, कटा नहीं है, अगर कट भी जाते तो तब भी जो है बड़ी खुशी होती है कि हाँ, कम से कम जो मेरे साथ जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने लहू को, अपने प्राणों को उस जमी पर नौछावर किया है, उनके प्राणों का शायद बलिदान एक काम हुआ है। बिल्कुल, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आपका, मैं चाहूँगी कि आप एक संदेश हमारे सभी देशवासियों को ज़रूर दें। बिल्कुल, अभी हमने 26 जुलाई को 23वां कारगिल विजय दिवस मनाया है और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम अपने सैनिकों की बदौलत कर रहे हैं और सैनिक आपके लिए, आपके एक थैंक्स के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। तो सैनिकों का सम्मान जरूर करें और उन परिवारों का सम्मान करें कि आपके घर दिवाली, ईद, होली, दशहरा, जो भी आपके पर्व होते हैं, अगर आपके आसपास गांव में, पड़ोस के गांव में कोई शहीद परिवार है, अगर उसके साथ जाकर के वो त्यौहार मनाएं, क्या बात है सर, तो शायद उस परिवार को ये लगेगा कि उसका देश उसके साथ है और उसको ये, इससे देश की एकजुटता बनेगी, उन नौजवानों के अंदर भी एक नई प्रेरणा शक्ति जगेगी जो आज इस तरह से घूम रहे हैं। उनको लगेगा कि अगर कल मैं फौज में गया और मैं भी शहीद हुआ, तो मेरे माँ बाप को, मेरी पत्नी को, मेरी बहन को ये गांव वाले देखभाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारे समाज की जिम्मेवारी है कि इस तरह का अगर हम काम करेंगे तो ये राष्ट्र बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। बिल्कुल चित्रांगदा, मैं जाने से पहले आपको भी थैंक्स करना चाहूँगी, पहले सूरमा जैसी कहानी आप लेके आए हमारे सामने और अब ब्रावो यादव जी, इनकी कहानी हमारे सामने लेके आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमें देखने को नहीं मिलती हैं। और जाने से पहले मैं भी चाहूँगी कि आप भी एक संदेश, एक मैसेज ज़रूर दें। संदेश तो मैं सिर्फ ये देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को, एंड आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से योगेंद्र जी ने भी कहा भी कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, आपको अपने हीरोज़ बहुत ही केयरफुली चूज़ करने चाहिए, आप किन को फॉलो करना चाहते हैं, किन के जैसा बनना चाहते हैं,
किसको अपनी इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं वो बहुत ही केयरफुली चूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी आगे चलकर पूरी ज़िंदगी एक तरह से आपका डायरेक्शन वो सेट करता है. एंड ऐसी एक कहानी है, योगेंद्र यादव जी मेरे साथ बैठे हैं, मुझे लगता है इस तरह के लोगों को अगर आप अपनी इंस्पिरेशन बनाएं, इट विल, मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा. और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इनकी ज़िंदगी से जुड़े ये लम्हे जानकर और भी अच्छा लगेगा जब आप ये फिल्म देखेंगे या ये किताब पढ़ेंगे. फ़िलहाल हमें भी दीजिए इजाज़त, और जाते जाते सर एक सल्यूट तो बनता है. थैंक यू, थैंक यू जी सर.